साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई की रात को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सुपर मून तो है ही, लेकिन साथ ही ये खूनी लाल यानी कि ब्लड रेड रंग का भी होगा। ये संयोग कई सालों बाद आता है, वैज्ञानिक इसे लूनर इवेंट कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं सुपर मून से जुड़ी 10 बातें। सुपर मून वो खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो बड़ा और 12% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे पेरिगी मून भी कहते हैं। चांद या किसी दूसरे उपग्रह की धरती से सबसे नजदीकी वाली स्थिति को पेरिगी और सबसे दूर वाली स्थिति को अपोगी कहते हैं। आमतौर पर चांद की पृथ्वी से दूरी 4,06,300 किमी है, लेकिन चांद अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के करीब आ जाता है। इस समय चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। इसकी दूरी घटकर 3,60,000 किलोमीटर या उससे कम हो जाती है, तब चांद बड़ा दिखाई देता है और इसे सुपर मून कहा जाता है। चांद अपनी कक्षा में चक्कर लगाते समय धरती के नजदीक आता है, क्योंकि चांद धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमता है। ऐसे में इसके धरती के नजदीक आना तय होता है। नजदीक आने की वजह से इसकी चमक और बढ़ जाती है। 26 मई को पेरिगी की स्थिति करीब 7:23 पर आएगी, जब चांद धरती से 3,57,309 की दूरी पर होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पृथ्वी की छाया में चला जाता है। इस दौरान कई बार चांद पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती की परछाई चांद के पूरे या आंशिक हिस्से को ढक लेती है, या फिर ऐसे समझे जब चांद और सूरज के बीच धरती आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चांद अपनी कक्षा में 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए पूर्ण चांद धरती की परछाई के या थोड़ा ऊपर रहता है या फिर थोड़ा नीचे। लेकिन चांद अपनी कक्षा में 2 बार ऐसी स्थिति में आता है जब वह धरती और सूरज के सामने एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहता है, न ऊपर न नीचे, एक लाइन में। तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चांद धरती की परछाई के पीछे पूरी तरह से ढक जाएगा, तब इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तब ये अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन चांद कभी पूरी तरह से काला नहीं होता, ये लाल रंग का दिखने लगता है, इसलिए कई बार पूर्ण चंद्र ग्रहण को लाल या खूनी चांद भी कहते हैं। नासा के मुताबिक सूरज की किरणें धरती के वातावरण में घुसने के बाद मुड़ती हैं और फिर फैलती हैं। नीला या वॉयलेट रंग लाल या नारंगी रंग के मुकाबले अधिक फैलता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। लाल रंग सीधी दिशा में आगे बढ़ता है, इसलिए वो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त ही दिखाई देता है। उस वक्त सूर्य की किरणें धरती के वातावरण पर एक मोटी परत को पार कर हमारी आंखों तक पहुंच रही होती हैं। इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रशांत महासागर की मध्य रेखा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया का पूर्वी किनारा और अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर दिखाई देगा। ये अमेरिका के पूर्वी आधे हिस्से में भी दिखाई देगा, लेकिन ये एकदम शुरुआती समय में ही। 26 मई की शाम के बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, ये सुपर मून अपने ग्रहण की ओर आगे जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, ये पूरा खूनी लाल रंग का दिखाई देगा। बस इसी समय ये नज़ारा देखने लायक होगा। भारत में भी ये दिखाई देगा। देश के पश्चिमी इलाकों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण 2:17 से शुरू होगा और शाम 7:19 के बाद भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी देशों में दिखाई देगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।